Welcome to the English Matters grammar lesson for each one of us. Today's lesson is about verb has or have. It is a very simple topic, let me tell you. But ये बहुत basic है. इसको जानना मैंने आपको अपनी English को के foundation को मजबूत करना होता है. अगर आप यहाँ पे falter करोगे तो आपको sentence जो बनेगा वो जो है उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा और ये आपके स्पीच को भी ब्यूटिफाई करता है. तो चलो हम लोग आज का लेसन शुरू करते हैं. आज हम लोग सीखेंगे टू हैव के बारे में. सो बेसिकली इस वर्ब का प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ होता है, पास्ट टेंस में ये हैज़ और हैव हैड बन जाता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैड होता है. सो ये तीन फॉर्म हुए वर्ब हैव का, टू हैव का. नाउ देखते हैं कि जब ये हैव और हैज़ का इस्तेमाल एक पॉजिटिव सेंटेंस में बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बहुत सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव में चेंजेस आता है. वही देखते हैं कि वो चेंज कहाँ करना पड़ता है. लेट अस बिगिन. आप देख रहे हो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ मैंने हैव लगाया है. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब प्लोरल होता है सब्जेक्ट उसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है. आई के साथ हमने हैव लिखा, इसको आपको लर्न कर लेना है. वी हैव, दे हैव, बिकॉज यहाँ पे मोर देन टू पर्सन है, राइट. सो यहाँ पे प्लूरल के साथ मैंने हैव लगाया है. लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो ही है, शी है, यहाँ पे हैव नहीं है, चेंज हो गया है और यहाँ पे हैज़ लगाया है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. अब जब एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तो यू कैन से आई हैव अ डॉग, वी हैव, we have a car, they have got a beautiful house, they have a house, he, but wahi he ho to he has a car, she has a beautiful doll. So is tarike se aap affirmative sentence form karte ho, okay. Lekin ab kya hoga jab hum log negative sentence banana chahte hain, kya hum log bolenge, theek hai, dekhte hain kya hum log bolenge. उस केसेस में हम लोग डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं. देखते हैं, आई के साथ मैंने बोला आई डोंट हैव अ वॉच, वी डोंट हैव अ ब्रेक, दे डोंट हैव कैमरास, ओके. सो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने में. आप देख रहे हो कि आई के साथ डोंट, वी के साथ डोंट, दे के साथ डोंट, लेकिन ही और शी के साथ वी विल नॉट से ही डोंट और शी डोंट, वी हैव टू से ही डजंट हैव, शी डजंट हैव. सो आप देख लो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोगों ने जो क्या है डजंट का इस्तेमाल किया है. बाकी सारों में आप देख रहे हैं कि जो वर्ब का जो हैव का फॉर्म है हैव 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 हैव, यहाँ पे हम लोगों ने हैज़ का इस्तेमाल नहीं किया है. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यहाँ पे ही और शी के साथ हम लोग डजंट लगाया है. अफर्मेटिव में क्या था, आई वी दे के साथ हैव का इस्तेमाल था, लेकिन ही और शी के साथ हैज़ था. लेकिन नेगेटिव में सारे में हैव होगा, बट ही और शी के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हम लोग डजंट का इस्तेमाल करेंगे. सो रिमेंबर दिस. इफ़ यू वॉन्ट टू से कि उसके पास कार नहीं है तो आप कहोगे ही डजंट हैव अ कार, उसके पास अच्छा घर नहीं है, She doesn't have a good house. उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, She doesn't have a good job. So ये हुआ negative sentence बनाना. कभी भी आप she doesn't has नहीं बोलना, वो wrong होगा. She doesn't have. Negative sentence में हम लोग हमेशा have का इस्तेमाल करते हैं. Remember this. अब जो है have का जो form होता है हम लोग past tense में देखते हैं. उसका past tense क्या form होता था, had. इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ पास्ट टेंस में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं. आई हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड. उसका कल एग्ज़ाम था, उसके पापा कल आए थे, हर फादर हैड कम यस्टरडे, ओके. उसने कल एक चिट्ठी लिखी थी, शी हैड रिटन अ लेटर टू हर फादर यस्टरडे. सो इस तरीके से हम लोग कोई भी सब्जेक्ट हुआ पास्ट टेंस में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं. सो ये है
पॉजिटिव स्टेटमेंट जब हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में. लेकिन क्या है कि जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या हम लोग आई हैड नॉट बोलेंगे या वी हैड नॉट, आई हैड नॉट मेट हिम यस्टरडे. इट इज़ ऑल्सो गुड बट बेसिकली ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा हम लोग और लिटरेचर लिखने में जैसे कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो इन सारे इस तरीके के सेंटेंस आई हैड नॉट वी हैड नॉट डन दिस ये सेंटेंस हमको देखने को मिलता है. बट इन ग्लोबल इंग्लिश वी हैव अ पैटर्न कॉल डिड नॉट. सो आई से इंस्टेड ऑफ आई हैड नॉट आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं था, ही डिडंट हैव अ गुड मोबाइल फोन. ओके, सो आप देख रहे हो कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में जब पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं हैव का तो हमेशा जो है हैव का इस्तेमाल होता है. बट मेक श्योर दैट यू यूज डिडंट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट टेंस फॉर्म. आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, he didn't have, she didn't have. So you don't have to worry about using had here. Just have to make sure that you're using the form of verb have with the form of negative verb form didn't. D-I-D and apostrophe T. Okay, didn't. So ye tha basic lesson based on the use of has, have and had. I hope this would help you to make sentences on a basic ग्राउंड करेक्टली बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है. यहाँ से अगर आप इसी जगह पे मिस करोगे तो सेंटेंस का जो ब्यूटी है वो चला जाता है. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू रिमेंबर दैट आई वी दे के साथ हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट में लेकिन ही और शी के साथ हैज़ लगता है. लेकिन वही जब नेगेटिव बनाते हैं तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हमको ये ख्याल रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में I don't have, we don't, they don't, but negative sentence में he or she में doesn't का इस्तेमाल होता है. ओके, ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि जब हमको बोलना है कि उसके पास गिटार नहीं है, he doesn't have a guitar, मेरे पास गिटार नहीं, I don't have a guitar. So you see the difference, I don't have a guitar, he doesn't have a guitar. ये समझना है हमको. और past form में irrespective of any subject, we use had. Negative sentence बनाने में हम लोग did not का इस्तेमाल करते हैं. So कोई भी subject हो, I हो, we हो, they हो, he हो, she हो, didn't have. ठीक है, उसके पास गिटार नहीं था, he didn't have a guitar. उन लोगों के पास गिटार नहीं था, they didn't have a guitar. Okay? So इस तरीके से हम लोग sentences का form करते हैं. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब इट सो दैट जब मैं दूसरा लेसन अपडेट करूँ, अपलोड करूँ, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले और आप मेरा लेसन देख पाओ. आई होप कि ये लेसन आपको बहुत चीज़ों में हेल्प किया होगा बिकॉज ये लेसन बहुत बेसिक है. बट आई विल कम बैक टू यू विद मोर न्यू लेसन्स. And definitely keep learning and you have a great day ahead. Bye-bye.